दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। उपमंडल मुख्यालय करसोग में लगभग 5 मंजिला पुलिस थाना भवन भले ही लगभग 7.5 करोड़ रुपए का निर्माण होना शुरू हो चुका है, परंतु बड़ी हैरानी की बात है कि बहुमंजिला भवन निर्माण होने के बावजूद पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं होने जा रही है, जिसको लेकर व्यापार मंडल करसोग के अध्यक्ष नवीन गुप्ता ने पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों से मांग रखते हुए कहा कि बस अड्डा करसोग और बाजार के साथ बेहद महत्वपूर्ण स्थान पर निर्माण होने वाले पुलिस थाना भवन के धरातल मंजिल पर वाहन पार्किंग की व्यवस्था अवश्य की जाए। इस बारे में डीएसपी करसोग गीतांजलि ठाकुर ने कहा कि पुलिस थाना भवन निर्माण कार्य में पार्किंग व्यवस्था वाला मामला पहले भी उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया जा चुका है और अब व्यापारियों की मांग को तुरंत पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया जा रहा है। जो भी दिशा निर्देश मिलेंगे उस पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर, जो है पुलिस थाने का जो भवन है वो लगभग 7.5 करोड़ रुपए से निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, आप लोग भी देख रहे हैं, और उसमें व्यापारियों की मांग है कि पार्किंग की जो है व्यवस्था होनी चाहिए जो कि उस नक्शे में नहीं है, तो आपका क्या कहना है? उसमें बिल्कुल होनी चाहिए जी। हम ये चाहते हैं कि हमें पता चला कि 5-6 मंजिला बहुमंजिला वो इमारत बनने वाली है, तो हम तो ये चाहते हैं कि उसमें ग्राउंड फ्लोर में जो है पार्किंग की व्यवस्था हो। वो बस स्टैंड के नज़दीक भी है, बाजार के नज़दीक भी है, ताकि उसमें लोग जो आए वो अपनी गाड़ी खड़ी करें और बाजार उतरें। थाना में भी लोग आएंगे काम करने? थाने में भी लोग आएंगे। हम देखते हैं कि बाजार हमारी दुकान के सामने ना आए दिन आइडल पार्किंग के चालान होते रहते हैं, तो उससे भी बचा जा सकता है, पुलिस वालों को बताने को भी हो जाएगा कि वहां पे पार्किंग जो है वो बन गई है। तो हम तो ये उच्च अधिकारियों से यही अब अपील करना चाहते हैं, करसोग व्यापारी जो है वो, कि एक वहां पे ग्राउंड फ्लोर में, एटलीस्ट ग्राउंड फ्लोर में वहां पे जो है अच्छी पार्किंग बने, एक जहां पे काफी मतलब बहुत सारी गाड़ियां आए कम से। धन्यवाद नवीन जी, आप हमारे व्यापार मंडल करसोग के जो अध्यक्ष हैं। करसोग में ना पुलिस थाने की एक बिल्डिंग बन रही है, लगभग 7.5 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, तो उसमें पार्किंग की कोई व्यवस्था है नहीं है, तो आपका उसमें क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने हर आवाज़ करसोग की हर आवाज़ को बुलंद किया है और हर चीज़ को जो अच्छी सुनिश्चित करने के लिए आपने आवाज़ उठाई है। तो जो आप पार्किंग की व्यवस्था के लिए जो कह रहे हैं, मैंने डीएसपी मैडम से भी बात की थी और मैंने डीएसपी मैडम को व्यापार मंडल की तरफ से एक रेजोल्यूशन दिया है कि जो आप 7.5 करोड़ रुपये का जो पुलिस स्टेशन बन रहा है उसमें जब पार्किंग व्यवस्था नहीं होगी तो लोग इधर उधर जाएंगे जाएंगे तो कहाँ खड़ी करेंगे? चलान भी होंगे और हर टाइम हम चलानों को भुगतते रहेंगे। एक तो करसोग में पार्किंग की बहुत ही ज़्यादा समस्या है और हम डिमांड करते हैं और हम डीएसपी मैडम से भी अनुरोध करते हैं कि वो हमारे जो लिखा हुआ पत्र है इसको आगे भिजवाएं और इसमें जो है पार्किंग की व्यवस्था बहुत जरूरी होनी चाहिए। जैसे हमारे मिनी सेक्रेट में ग्राउंड फ्लोर में पार्किंग है, इस तरह की ही हमारे पुलिस स्टेशन में भी ग्राउंड फ्लोर में पार्किंग बने और ऊपरकट जाए अपने हिसाब से बनाए, क्योंकि करसोग की बहुत जरूरी चीज़ है। क्योंकि बहुत 63 पंचायतों का जो हमारा करसोग क्षेत्र है इसमें सब जगह से लोग आएंगे, कहीं ना कहीं तो गाड़ी खड़ी करके जाएंगे ना, ऐसे के रास्ते में खड़ी करके जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? तो मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ, डीएसपी मैडम के माध्यम से सरकार को भेजे और सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इसमें जो पार्किंग व्यवस्था बनाई जाए, इसके लिए मैं आप लोगों का सबका सहयोग चाहेंगे। बहुत धन्यवाद। मैम, करसोग में ना जी पुलिस थाने का जो है भवन निर्माण कार्य जो है वो शुरू हो चुका है, लगभग 7.5 करोड़ रुपए लागत से जो है भवन का निर्माण हो रहा है, अच्छी उसमें सुविधाएं भी मिलेंगी, परंतु एक दिक्कत जो है उसमें पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। हालांकि 100 साल के लिए उसे इसमें इस्तेमाल किया जाना है, व्यापार मंडल करसोग का कहना है कि उसमें पार्किंग जरूर होनी चाहिए, तो क्या ऐसा है? जी देखो, व्यापार मंडल की तरफ से मेरे को ये एप्लीकेशन रिसीव हुई है एंड मैं इसको अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज तक पहुंचा भी दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपके ध्यान में एक और बात ला दूं कि जब ये कंस्ट्रक्शन शुरू हो रही थी हमारे थाने की तो मैंने खुद भी विजिट किया था फील्ड पे एंड वो जो प्लान था, जो ड्राइंग था, वो हमने डिस्कस करा था एंड वी सॉ कि उसमें पार्किंग की सुविधा नहीं है जी। तो मैं उसी टाइम ऑलरेडी 4 महीने पहले ये जो बात है अपने सीनियर ऑफिसर्स के संज्ञान में ला चुकी हूँ एंड हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन जो थी रुकवाई भी थी 4 महीने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो ऑर्डर्स आए हैं कुछ अधिकारियों से उसमें यही है कि हम लोग जो प्रीवियस हमारा प्लान था उसी के हिसाब से कंटिन्यू करेंगे कंस्ट्रक्शन को। धन्यवाद। थैंक यू। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए करसोग से नरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।